तो वह स्टूडेंट्स आज सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक बात अच्छे समझिएगा, क्योंकि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना पारा मेडिकल का, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, देखिए समझिए बढ़िया से। आज हम बात करेंगे पारा मेडिकल का, ठीक है। तो देखिए पारा मेडिकल एकदम बढ़िया से एक एक बात समझिएगा, आज सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपके लिए। पारा मेडिकल, ठीक है, आप लोग का क्लास भी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से क्लास कुछ दिनों से बंद चल रहा है। चलिए देखिए पारा मेडिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट दसवा पे हैं यानी टेंथ लेवल पे, जो स्टूडेंट टेंथ पास किए हैं, एग्जाम टेंथ पास किए हैं, उनके लिए पीएमएम का फॉर्म भराएगा। क्या भराएगा? पीएमएम का। और पीएमएम में मात्र एक ही को कोर्स होता है, वो होता है ड्रेसर, ठीक है। चलिए आगे समझ लीजिए। और जो स्टूडेंट ट्वेल्थ लेवल पे पारा मेडिकल का फॉर्म भरेगा उसका पीएम भराएगा। क्या भराएगा? पीएम। और इसमें एक्सरे आता है, पीएम आपका एक्सरे आता है। देखिए इसी में एएनएम आता है, ट्वेल्थ लेवल पे एएनएम आता है, इसी में आपका जीएनएम आता है। क्या आता है? जीएनएम आता है। इसी में आपका डीएमएलटी आता है, इसी में आपका आता है एक्सरे टेक्नीशियन, हाँ एक असिस्टेंट भी इसी में आता है, एक्सरे आता है, ठीक है, इसी में आता है डी फार्मा, डी फार्मा यानी डी फार्मेसी, डी फार्मेसी इसी में आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम का टोटल सीट कितना है, ठीक है, पीएम का टोटल सीट कितना होगा। इसी में आता है रेडियोलॉजी, इसी में आते हैं बाबू, किसमें? रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी इसी में आता है बाबू आपका ओटी असिस्टेंट, इसी में आता है फिजियोथेरेपी। तो बहुत सारा कोर्स आ जाता है ट्वेल्थ लेवल पे, तो इसीलिए बच्चों को हम बोलते हैं ना कि ट्वेल्थ लेवल पे पैरामेडिकल भरो तो जीवन के लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आज एक बात हम करने वाले हैं टोटल सीट आरक्षण सीट पर। किस पर आज हम बात करेंगे? आरक्षण सीट पर हम बात करेंगे कि आरक्षण जो सीट है वो किस जाति का कितना परसेंट सीट है, किस जाति का कितना परसेंट सीट है। तो जितना भी सीट है उसका कितना परसेंट आपका एससी वालों को होगा, किसका होगा? एससी वालों के लिए कितना सीट है, एसटी वालों के लिए कितना सीट है। यहां पे सीट लिख देते हैं, ठीक है, कितना सीट है, ओबीसी वाले के लिए कितना सीट, सारा चीज आज हम बता रहे हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं एएनएम का। एएनएम का टोटल सीट है 4530 पूरे बिहार में, ठीक है। जीएनएम की अगर बात कर ले तो जीएनएम का टोटल सीट है 1472 1500 के आसपास, यानी पूरे बिहार में, यहां पे लिख देते हैं पूरे बिहार में कितना सीट है, एकदम बढ़िया समझिएगा, पूरे बिहार का, ये पूरे बिहार का हम बात कर रहे हैं। तो पूरे बिहार में एएनएम वालों के लिए 4530 सीट है पूरे बिहार में, और जीएनएम वालों के लिए 1472, पिछले बार जो था ना 1558 था, ठीक है। तो ये घटते बढ़ता रहता है सीट, क्योंकि वो अपने जाति के अनुसार घटाते बढ़ाते हैं सरकार, ये बोर्ड करता है ये काम। तो ये कम हो सकता है, आप लोग को काउंसलिंग जब पास कर जाएगा ना तो काउंसलिंग समय ये 1500 कर दे, ठीक है, ये करते रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं। तो ज्यादा भी नहीं होता है, 2-4 मान लीजिए 50 को आगे पीछे होता है सीट, इससे फालतू नहीं होता है, ठीक है। जीएनएम के लिए 1472 सीट है। लेकिन यही चीज बात कर ले हम डी फार्मेसी का, तो डी फार्मेसी का टोटल जो है 300 सीट है। सारे चीज एक दिन जो है ना वीडियो में सब कॉलेज बाई कॉलेज हम सीट बताएंगे, ठीक है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। यहाँ पे डी फार्मेसी यानी डी फार्मा का पूरे बिहार में कितना सीट है, 300 सीट है। जीएनएम का कितना सीट है, 1472 सीट है, और आपका एएनएम का 4530 सीट है, ठीक है। अब कॉलेज बाई कॉलेज बताएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए जो हम समझा रहे हैं। पूरे बिहार का अगर मान लीजिए एएनएम, मानना क्या है, एएनएम जो है 4530 सीट है, तो 4530 सीट में एससी वाले भी आते हैं, एसटी वाले भी आते हैं, ईबीसी वाले भी आते हैं, ओबीसी वाले भी आते हैं, जनरल भी आते हैं कि नहीं आते हैं।
तो ये सबका जो है पूरे बिहार में जितना भी सीट दिया जिस कोर्स में, सारे कोर्स में आपका एससी वालों के लिए 16% सीट है। एससी वालों के लिए कितना परसेंट सीट है? 16%। यानी अनुसूचित जाति का आरएसटी, आरएसटी किसको बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति का मात्र 1% सीट है। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से थोड़ा सा। जैसे एएनएम जो है 4500 सीट है, ठीक है, तो एएनएम 4500 सीट है, तो ये पूरे सीट में जो है 16% किसको एडमिशन मिलेगा? एससी वालों को। 1% किसको मिलेगा एएनएम एडमिशन? आपका एसटी वालों को। अगर ईबीसी में है, अगर आप ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी की अगर हम बात कर ले तो ईबीसी वालों के लिए जो सीट है वो है 18%। कितना परसेंट है? 18%। यानी एएनएम 4530 सीट है और आप लड़की हैं। देखिए एएनएम और जीएनएम जो है ना, एक बार फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, एएनएम और जीएनएम सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एगो बेवकूफ है, सुनो, एगो बेवकूफ है, कमेंट किया था लड़का, बहुत बेवकूफ लड़का, ठीक है ना। 2019 से सुन लो बाबू, 2019 से बिहार सरकार लड़कों को सरकारी में जीएनएम करवाना बंद कर दिया है। अगर आप लड़का हैं और जीएनएम करना चाहते हैं तो बिहार में सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज जीएनएम करवा सकता है, अन्यथा सरकारी सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, सिर्फ बिहार में। अदर स्टेट से आप कर सकते हैं सरकारी, लेकिन सिर्फ बिहार में जीएनएम और एएनएम लड़की के लिए है। और एएनएम तो पूरे ऑल इंडिया में ही लड़की है, ठीक है। जीएनएम पहले बिहार में भी थी, लड़का करता था सरकारी से, लेकिन सरकार बंद कर दिया जीएनएम लड़कों के लिए। अगर आपको जीएनएम सरकारी से करना है तो दूसरे स्टेट में कर सकते हैं, और बिहार में करना है तो प्राइवेट से लड़का कर सकता है जीएनएम, ठीक है। एक वो बेवकूफ लड़का है, उसका पता नहीं क्या नाम, तो ध्यान नहीं है, देखिए कमेंट पे होगा, ई बेवकूफ बनाता है जीएनएम का बिहार में है, लड़का कर सकता है, हाँ वो झारखंड में कराते हैं। अरे बेवकूफ, तो झारखंड में ना हो रहा है जी, बिहार में बंद हो गया 2019 से, तुमको पता नहीं है? आधा लेकिन जो है ना यही में उड़ रहा है कि जीएनएम कर लेंगे बिहार से। अरे बेवकूफ सुन लो, जीएनएम बंद हो गया बिहार में लड़कों का, सिर्फ किसका? लड़की का होगा सरकारी। प्राइवेट में आपको लड़का का एडमिशन मिल जाता है जीएनएम में, लेकिन गवर्नमेंट बिहार सरकार बंद कर दिया है। यूपी में चले जाइए, अगर आपका यूपी का पारामेडिकल निकालिएगा, अगर लड़का है आप और यूपी का पारामेडिकल निकाले, वहां सरकारी जीएनएम हो जाएगा एडमिशन, लेकिन बिहार सरकार जो है बंद करवा दिया है लड़कों का जीएनएम सरकारी से, प्राइवेट से कर सकते हैं आप, ठीक है। आप नहीं दोबारा बताएंगे किसी वीडियो में। एक बात और क्वेश्चन था कि सर पारामेडिकल फॉर्म भरने की उम्र कितना चाहिए, तो आपका जो है उम्र 17 साल से लेकर के 32 साल तक होनी चाहिए, 17 साल से लेकर के 32 साल तक होनी चाहिए। लेकिन जीएनएम के लिए एक स्पेशल ऑफर होता है, जीएनएम जो करना चाहता है इनके लिए उम्र का एक ऑफर होता है, इनका जो जीएनएम करना चाहते हैं इनके लिए उम्र दे देता है 17 से लेकर के 35 वर्ष तक, 35 साल तक, क्योंकि लड़की का है सिर्फ, इसमें लड़का लड़की एएनएम भी है तो 35 साल तक कर सकता है। एएनएम भी कितना साल तक? 17 से 35, लेकिन अदर कोर्स जो है 17 साल से लेकर के 32 साल तक आप उम्र में कर सकते हैं, इतना लंबा देता है, ठीक है, ये उम्र देता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 18%। ईबीसी जो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उनका मान लीजिए एएनएम करना है, एएनएम के पूरी बिहार में 4530 सीट है, तो उनको जो है ईबीसी कैटेगरी के लिए इसमें 18% सीट रखा गया है कि इसमें 18% में ईबीसी कैटेगरी वालों को ही एडमिशन मिलेगा। हर एक कॉलेज में सीट होगा, अब कॉलेज बाय कॉलेज भी बताइए किस कैटेगरी को कितना परसेंट सीट मिलने वाला है, ठीक है। आगे बीसी वालों को, अगर हम बीसी वालों को कर ले बात, तो बीसी वालों के लिए जो है ना आपका 12% सीट है, ठीक है। बीसी वालों के लिए कितना है? टोटल सीट में से 12% सीट पूरे बिहार में बीसी वालों को एडमिशन मिलेगा जो बीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। और जो आपका ई आरसीजी कैटेगरी में आते हैं, चलिए आरसीजी रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में आते हैं, तो उनके लिए जो सीट रखा गया टोटल सीट में से वो 3% सीट है पूरे बिहार में उनको मिलेगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है वो आते हैं ईडब्ल्यूएस में से, किसमें? आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, तो उनके लिए पूरे बिहार सरकार ने पारामेडिकल में सीट दे रखा है 10%। और जो यूआर में आते हैं अंडर रिजर्व कैटेगरी में, यूआर में आते हैं इनके लिए 40% सीट है। समझ में आई बात? तो अब यहां पे आपको जो है जाति के अनुसार
कास्ट के अनुसार आरक्षण देख लिए कि आपको कितना कितना टोटल सीट में मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? तो बस यही छोटा सा बात था जो समझाना आप लोग को चाह रहे थे, ठीक है। तो टोटल एग्जाम आप लोग को 450 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें अगर 200 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपको एनएम और जीएनएम मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और आपको 450 नंबर टोटल होगा, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, जीएस, इंग्लिश सारा चीज रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।